मुरादाबाद के पुलिस विभाग में पिछले 5 साल से जीजा की जगह साले द्वारा नौकरी करने का मामला सामने आया है। जीजा के अध्यापक की नौकरी लगने के बाद जीजा के स्थान पर पीआरबी 281 पर कांस्टेबल बनकर नौकरी कर रहा था। ठाकुर द्वारा कोतवाली में जीजा साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। साला अभी फरार चल रहा है। अक्सर साले द्वारा अपने जीजा के लिए कुर्बान होने के किस्से अक्सर आपने सुने होंगे, लेकिन मुरादाबाद में जीजा द्वारा अपनी नौकरी की कुर्बानी देने का बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुरादाबाद के पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर तैनात अनिल कुमार ठाकुर द्वारा में पीआरबी 281 पर तैनात था। कांस्टेबल अनिल कुमार का 2016 के बाद अध्यापक की नौकरी में चयन हो गया। अनिल कुमार ने अपनी सिपाही की नौकरी अपने साले सुनील उर्फ सनी को तोहफे में देकर चला गया। उसके बाद लगातार 5 साल से सुनील उर्फ सनी अपने जीजा की जगह कांस्टेबल पद पर पीआरबी 281 पर नौकरी कर रहा था। किसी रिश्तेदार के द्वारा शिकायत होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने जीजा अनिल कुमार को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। साले सुनील को जीजा अनिल की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद से सुनील फरार हो गया है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के खतौनी थाने के बहोड़ का रहने वाला है और 2011 में पुलिस में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग में 4 बार फेल होने के बाद गोरखपुर में ट्रेनिंग में पास हुआ था, जिसके बाद बरेली जनपद में पुलिस लाइन में तैनात रहा था। 2016 में मुरादाबाद में अपने ट्रांसफर करवाने के बाद ही अनिल का चयन अध्यापक पद पर मुजफ्फरनगर में ही तैनाती हो गई थी। उसके बाद चोरी से विभाग में खेल करके अपने स्थान पर अपने साले सुनील को नौकरी ज्वाइनिंग करवा दी। 2016 के बाद से सुनील उर्फ सनी कांस्टेबल पद पर नौकरी कर रहा था। वहीं साला सुनील कुमार भी मुजफ्फरनगर के ही गाँव घंगाडी खतौली का निवासी है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि कांस्टेबल अनिल की जगह साले सुनील द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और ये जानकारी सही भी है। इस संबंध में जांच उपरांत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। किस स्तर पर यह कमी रही इस संबंध में भी जांच की जाएगी। अनिल कुमार नाम के कांस्टेबल हैं, इनके स्थान पर अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इनके साले हैं, वे नौकरी कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अनिल को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। साला सुनील अभी फरार है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यह जानकारी सही भी है, अब तक की जांच से सही है और इस संबंध में जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जांच की जाएगी। सर, आरोपियों का क्या रिश्ता है और कौन असली कौन नकली है? ये अनिल कुमार नाम के कांस्टेबल हैं और इनके स्थान पर अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इनके साले हैं, वो नौकरी कर रहे थे। इस संबंध में प्रारंभिक जांच से यह पुष्टि हो चुकी है, जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है। अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और कोई हिरासत में लिया गया? इस संबंध में अनिल से पूछताछ की जा रही है। जो असली है, जो असली अनिल है, उनसे पूछताछ की जा रही है।